हाय एवरीवन, दिस इज आयुष। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स में बता रहे थे कि सर अपनी लास्ट मोमेंट की स्ट्रेटेजी बता दीजिए, एडवांस की स्ट्रेटेजी बता दीजिए। मैं सब बता दूंगा और जो बेस्ट चीज आप कर सकते हो इस टाइम पे जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए, नीट के लिए, तीनों के लिए ही बेस्ट जो स्ट्रेटेजी हो सकती है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्लीज इस वीडियो को ध्यान समझना, और यही मेरा सीक्रेट था कि मैं IIT पहुंचा था। ठीक है, तो पहले सुन लो, जो टॉपिक्स आपको नहीं आते उनको छोड़ दो, जो टॉपिक्स आते हैं उन्हें रिवाइज तो करना ही है, उन्हें थोड़ा सा डीपली आपको समझना है। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। बट ये तो सभी को पता है पास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे करते हैं, हम बुक खोलते हैं या मटेरियल खोलते हैं और सॉल्व करने लग जाते हैं। सॉल्व हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नेट सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऐसे नहीं किया था मैंने, प्लीज ऐसे बिल्कुल भी नहीं किया था मैंने। जो क्वेश्चन मेरे पास पहले ये तीन बुक्स थे, ठीक है, अब आपके पास हो सकता है बुक ना हो, कोई दिक्कत नहीं, मटेरियल होगा, नेट पे होगा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, पहले ये क्वेश्चंस अपने पास रखने हैं। उसके साथ YouTube पे एक चैनल है रेजोनेंस का, आप YouTube पे जाओ, रेजोनेंस सर्च करो। रेजोनेंस सर्च करने के बाद आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में देखो क्या है, प्रीवियस ईयर जेई एडवांस IIT जेई के क्वेश्चन पेपर 2019 से लेके 2013 तक के, सोने की खदान है ये, सोने की खदान, कोई इसे देखता भी नहीं आज के डेट पे, इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देता। इसमें क्या है, सारे क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेन करके सोल्यूशन दिए हुए हैं, इतना इफेक्टिव मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत क्लैरिटी आती है क्वेश्चंस के आसपास, तो एक तो क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल गए आपको, डिटेल में सोल्यूशन मिल गए, उसके बाद आसपास के जो थ्योरी है सब क्लियर हो जाती है। मैं आपको बता नहीं सकता, जब मैंने पास्ट ईयर के पेपर्स देखे मेरा नॉलेज लेवल इतना बढ़ गया, इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए क्वेश्चंस के थ्रू, भाई मैं IIT पहुंच गया। ठीक है, तो दिस इज माय सीक्रेट, आप भी करो। और ये जे एडवांस नहीं, जे मेंस का भी प्लेलिस्ट बनी है और नीट की भी प्लेलिस्ट बनी है। तो दिस इज द वे आपको करना है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स स्टार्ट करो करना, सॉल्यूशंस यहीं पर है, एक्सप्लेनेशन यहीं पर है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक, और एंड में मैं ये कहूंगा भाई, 14-15 दिन है, अपना दिमाग ये JEE के पिटीशन में मत लगाना प्लीज भाई, 14-15 दिन। अब इसमें भी कौन वो होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है यार, कुछ तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखें कि 14 दिन तो पढ़ लें। और एक चीज आपको पहले बता दूं, मैं 8 घंटे पढ़ता था एंड के टाइम पे, आपको भी 8 घंटे पढ़ना है तभी काम होगा। पढ़ सकते हैं भाई 2 हफ्ते के लिए, तो 8 घंटे पढ़ ही सकते हैं, कोई याद भी नहीं रखने वाला 2-3 हफ्ते हमारे, तो 8 या 10 घंटे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना पढ़ोगे उतना सही आने वाला है। देखो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, मैं आपको काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ, हर दिन शायद 2 वीडियोस डालूंगा छोटी छोटी चीजें, तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखना। दैट्स इट, बाय।